देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम समेशन एन इक्वल टू 1 टू 20 आई रेस टू द एन माइनस 1 प्लस आई सब आई रेस टू द एन प्लस आई रेस टू द पावर एन प्लस 1 फिर आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। अब आप देखो इसमें क्या करोगे, आई रेस टू द एन फैक्टर आउट कर लो, तो आई रेस टू द एन ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, आई इनवर्स मतलब 1 अपॉन आई प्लस 1 प्लस यहां पे कर लेंगे तो आई आ जाएगा। ठीक है, ये वन को लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर, इसको माइनस आई स्क्वायर लिख देंगे तो ये से ये कट गया और माइनस आई प्लस आई कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया आई टू दी एन, ये पूरा रिड्यूस होकर के क्या है आई टू दी एन लिखा हुआ है। अब ये कुछ नहीं आपका सम ऑफ जीपी है जो कि क्या हो जाएगा आई, अगर एन इक्वल टू वन रखेंगे तो टू रखेंगे तो आई स्क्वायर, थ्री रखेंगे तो आई क्यू एंड सो ऑन अप टू आई रेस टू द पावर 20। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी करें, ए इंटू वन माइनस आर, आर कितना है रेशियो आई, आई रेस टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आई। ठीक है, आई रेस टू द पावर फोर आप जानते हो वन होता है, फोर रेस टू द पावर फाइव है ये वन माइनस वन, तो ये जीरो है। ठीक है, तो ये पूरा जीरो बना दे रहा है आई टाइम्स, इसको ऐसे लिख लो वन माइनस आई रेस टू द पावर फोर टू द पावर फाइव, ठीक है अपॉन वन माइनस आई। ठीक है, ये वन माइनस वन जीरो, तो फाइनली क्या आ गया जीरो, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो इस कदर आपको सॉल्व करना था इसे।